इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, ठीक है? तो देखेंगे हम लोग आज इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी समझो तुम लोग क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास, ठीक है, अच्छा याद रखना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी स्पीसीज को। बात समझ रहे हो? ऑल मेटल्स डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, स्टार मार्क करके तुम लिख लो। एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, ठीक है? जितने भी मेटल होंगे ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे। मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, किसी से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो वो कौन सा चीज बनेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन, ये कह सकते हैं। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है, तो इसकी तो बात ही मत करो, ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है? हाइड्रोजन, ठीक है? तो हाइड्रोजन कभी कभी इलेक्ट्रॉन मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, मेटल जैसा बिहेव करता है, तो इसलिए इसको हम इन दोनों में नहीं रखेंगे। मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, लूज एक्सेप्ट दोनों काम कर लेता है। ओके, तो अब बात करेंगे जैसे सोडियम है, सोडियम की बात करें तो Na का ऑटोमोसेल में 2, 8, 1 ऐसा होता था ना, ऑटोमोसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज करेगा, ये लूज करने के बाद क्या बनेगा, 2, 8 है ना, लूज करेगा तो एक वैलेंसी है ना, जिसका जो वैलेंसी होगा वही लूज करेगा ना, याद रखना, जिसका जो वैलेंसी है वही गेन भी करेगा, जिसका जो वैलेंसी है वही लूज भी करेगा, है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है? तो ये हो गया, अब 2, 8 हो गया, है ना? अब 2, 8 की बात अगर करें हम, तो सोडियम का ऑटोमोसेल में 2, 8 बचा, एक दे दिया ये इलेक्ट्रॉन किसी को, तो सोडियम कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एक ना रे, एक ही इलेक्ट्रॉन इससे निकला है ना, तो एक पॉजिटिव, क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दोनों बराबर होता है। तो 10 प्रोटॉन था पहले, सॉरी 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन भी था, बात समझा? इसमें से तुम एक बात समझो, एक हट गया तो 10 बचा, अब बताओ 10 10 को न्यूट्रलाइज करेगा, एक तो प्रोटॉन बचेगा ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो बच गया ना, इसलिए एक पॉजिटिव यहां पर आएगा, बात समझ गया ना? ये 10 प्लस है, 11 प्लस 10 माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस ये माइनस, बात समझ रहे ना? चार्ज तो दोनों बराबर ही होगा, तो बताओ 10 एक का एक चार्ज, 10 का 10 चार्ज, 11 के 11 चार्ज, तो 11 10 को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, एक तो बच गया, फिर भी नेगेटिव चार्ज भी हटता है, नेगेटिव हटता है, इलेक्ट्रॉन ही कहीं जा सकता है आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का ही ऐसा चलता है मूवमेंट, बाकी और चार्जेस का नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, सिर्फ क्योंकि ये तो न्यूक्लियस में फिक्स होगा प्रोटोन, बात समझ रहे ना, इसलिए वो मूव नहीं करता, मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, यार वो बहुत छोटी बता दी, भूल गया। ओके, तो ये बात समझना, तो सोडियम हो गया, है ना? मैग्नीशियम की बात बता, तो मैग्नीशियम कितना लूज करेगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 12, गुड, तो 12 हो गया, कैसे लिखेंगे इसका, 2, 8, 2, 8, 2, कितना लूज करेगा, 2+, है ना, ऐसे लिखते हैं, तो 2+, बात है समझ में, इसी तरह से हम करते हैं ना सबका, जितने मेटल होंगे उसको पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस से नेगेटिव, हाँ माइनस से नेगेटिव, हाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस था नेगेटिव माइनस, अभी देख लो बता देंगे वो भी, सिलिकॉन है, चार वैलेंसी, चार जिसका चार होगा ना, वो एक्चुअली क्या होता है, देखो लगभग जो है इलेक्ट्रॉन ना शेयर करते ना लूज करते हैं, है ना, बात समझो, वो वैसे सिलिकॉन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, वो मेटलाइट होता है ना, बात समझ रहे हो, तो सिलिकॉन मेटलाइट होता है, तो मोस्टली जो केसेस में जिसके ऑटोमोसेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटलाइट प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है? लेकिन कार्बन जो है ये नॉन मेटल होता है, कार्बन के ऑटोमोसेल में भी चार इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये नॉन मेटल होता है, ठीक है? ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का, अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताएंगे, तो मैग्नीशियम की बात बताते हैं, मैग्नीशियम
दो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है, लूज करता है। एक्सेप्ट क्यों करेगा, ये तो मेटल है ना, लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज बनाता है, ठीक है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया पॉजिटिव बन गया ये। अब बात करते हैं नॉन मेटल क्या करता है, ठीक है। वैसे डिटेल में इसको हम नहीं बताएंगे इसलिए क्योंकि तुम्हें टेंथ में मेटल नॉन मेटल पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ना, तो उसमें ये सब चीज डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए अभी हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे लेके। तो जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो क्या हुआ 2 6 बैलेंसी कितना इसका, बैलेंसी क्या होगा, अरे लड़का कल ही तो बताया ऑक्सीजन का 2 होगा ना। हम क्या बोले, जब भी ये जब भी 5 से 5 से बड़ा हो तो 8 में से माइनस करते हैं तो कितना आएगा ये तुम्हारा 2। तो मतलब क्या, ये ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बात समझ रहे हैं ना। जब भी 5 से 5 से बड़ा होगा ना तो याद रखना वो लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन, है ना। और जब भी 1 2 3 4 तक होगा, 1 2 3 तक होगा बेसिकली, वो देगा किसी को। तो मेटल का 1 2 3 तक ही होता था, तो वैलेंसी का ऑटोमोबाइल वैलेंसी जो था मेटल का 1 2 3 तक ही होता था, इसलिए मेटल किसी को देता था और नॉन मेटल किसी से लेता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑटोमोबाइल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी 2 इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। ये 6 निकाल नहीं सकता, इसको निकालने में बहुत एनर्जी का खर्च पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन समझ लो जो नजदीक वाला काम होता है ना वही करता है, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा है किसी से, ना कि 6 निकालने में। 6 निकालेगा 2 बचेगा, फिर भी तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 6 निकाल नहीं सकता ये, है ना। बात करते हैं हम क्लोरीन का, 2 8 7, ठीक है। वैलेंसी 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लेगा। क्यों लेगा ये, तभी देखिए हाइट पूरेगा। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी जो नॉन मेटल मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना है, लेना क्यों चाहता है, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल मतलब 8 पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसने से लिया, 1 तो हो गया तुम्हारा 2 8 8। अब ये इलेक्ट्रॉन लिया इसमें चार्ज कैसा आएगा, माइनस आएगा। 1 नहीं लिखते, बस माइनस। अब इसमें 2 माइनस, क्योंकि इसमें 2 लिया था ये किसी से, ये 2 माइनस। कुछ आ रहा समझ लोगों को, ओके। अब हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है जब कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल एक्स्ट्रा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब क्या हुआ, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बात समझ रहे हो ना, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया। तो हम पूछेंगे सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, 1। कोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और इलेक्ट्रोवैलेंसी में ट्रांसफर होता है, एक दूसरे को देगा, बात समझ रहे हो ना। कल कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, याद है तुम लोग को, नेक्स्ट टाइम में, पिछले टाइम में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कैसे कैसे शेयरिंग होता था, ठीक है। जैसे कार्बन की हम बात करें, देखो कार्बन, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, क्योंकि देखो इसके पास क्या चाहिए, 2 और 4, एटॉमिक सेल में 4, चार किसी को या तो देगा किसी से लेगा, तो 4 कोई देने वाला ना लेने वाला होता है, क्योंकि 4 में बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए किसी के साथ शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करता है हाइड्रोजन, तो एक कार्बन है, कार्बन का ऑटोमोबाइल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए मान लो, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन आएगा 1 अपना इलेक्ट्रॉन लेके, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आगे 1 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। अब तुम काउंट करोगे कार्बन कितना हो गया, 2 2 4 6 8 8 हो गया कार्बन का, और हाइड्रोजन कितना, 2। हाइड्रोजन 2 में स्टेबल हो जाता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम का गैसेस, हीलियम गैस जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करता है, क्योंकि हीलियम गैस का ऑटोमोबाइल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और ये नोबल गैस होता है, उसी तरह से नॉन रिएक्टिंग गैस होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी 2 में आ गया तो कंप्लीट स्टेबल हो जाता है, मतलब रिएक्शन ये नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो बाकी सारे जो है ऑक्टेट पूरा करते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट का मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, बाकी को
कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना वो 8 पूरा ले, इलेक्ट्रॉन को लेके या दे के वो अगर 8 पूरा ले तो बात समझो वो क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट पूरा करता है। बाकी जो है रेस्ट जो है वो ऑक्टेट ये करता पूरा, ठीक है, ये डुप्लेट ये ऑक्टेट, कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो केमिस्ट्री जो है ना ये तुमको विजुलाइज थोड़ा कम होगा, अब तुमको बॉन्ड वोड हम बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते बना के, तो ये तुमको याद रखने वाली चीज़ है। बाकी जो फिजिक्स कुछ होते हैं अभी तो माइक्रोस्कोप लेवल के हम बता दो, फिजिक्स दिख रहा है जैसे हम लोग पेंडुलम पढ़ते थे, वर्क दिख रहा था, बॉडी को गिराते हैं वो तुमको फील आ रहा था जो वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे, तो लेकिन इसमें कुछ फील होने वाला नहीं है, इतने छोटे लेवल पर काम हो रहा है ये तुम्हें, तुम फील नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो इसलिए जो कोई भी टीचर अगर तुमको पढ़ाएगा ये चीज़ तुमको याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे हो रहा है, ठीक है, रीजन तो समझ में आ रहा है ऐसा, लेकिन तुमको फील नहीं होगा क्योंकि दिखेगा नहीं चीज़, तो फील कैसे आएगा, बात समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोवैलेंस लिखते हैं, लिख लो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू बी स्टेबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा या कितना देगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कितना देगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, और दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दिस। जैसे मान लो सोडियम होता है, सोडियम क्या करेगा कितना लूज करेगा, वन, जिसका इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होगा वन प्लस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या करेगा, एक लूज करेगा तो उसका एक माइनस में आएगा, जो भी मतलब सॉरी एल्यूमिनियम कितना लूज करेगा तीन, इसका प्लस तीन हो गया, ठीक है ना। अब क्लोरीन कितना लूज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक एक्सेप्ट करता है माइनस वन, एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज पे आ गया ना माइनस वन। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का माइनस टू, ठीक है, जिस तरह से गेन या लूज करता है, ये बात तो मुझे समझ में आ रही कुछ, तो ये सब बनाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा तुम लोग को। अच्छा आप तुम एक बात और समझ लो कि जैसे तुम लोग को बताते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो तुम लोग को बोला होगा कि एक काम करो बेटा तुम एन ए का वैलेंस लिखो वन और ओ का वैलेंस लिखो टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो तुमको निकलेगा एन ए टू ओ, है ना। अब ऐसा करते क्यों है तुमको समझो इसके बाद, क्योंकि क्या होता है कि सोडियम कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन वन, तो एक ही किसी को दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए कितना दो, तो दो तो सोडियम का आना पड़ेगा, दो दो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तभी तो एक सोडियम आएगा, मतलब एक ऑक्सीजन अपना पूरा कर पाएगा, बात समझ रहे हो ना। इसको चाहिए दो नेगेटिव और ये देता है एक पॉजिटिव, तो बराबर करने के लिए ये दो को चाहिए सोडियम, इसलिए सोडियम दो को आता है ना, दो तो सोडियम आएगा, समझा ना, और एक ऑक्सीजन बराबर हो गया, नहीं समझा बात, किसी को डाउट है? हाँ बोलो। हाँ वही मतलब वही रीजन क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई होने का वो बता रहे हैं कि एक सोडियम जो है एक ही प्लस लेके आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उसको, मतलब अब मान लो मैग्नीशियम की बात करें, मान लो एमजी की बात करते हैं, एमजी कितना दे सकता, दो, तो देखो एक एमजी एक ओ खत्म कर देगा, तो एक एमजी एक ओ मिलके पूरा कंपाउंड खत्म निकल हो जाएगा, तो बन जाएगा एमजीओ, इसलिए तो बनता है एमजीओ। हम जो बोलते थे खत्म कर दो दोनों को, खत्म क्यों करते थे, क्योंकि ये जितना लेके आया तो उतना लेके चला जाएगा, एमजीओ बन जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये मेन रीजन होता है कंपाउंड के फॉर्मेशन का, क्योंकि तुम लोग को बता देगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर दे क्यों थे अभी पता चल रहा है, बात समझ रहे हो ना। हाँ तो
एचजी को करेंगे, एचजी को नहीं एचजी को करेंगे, तो एचजी का पता आपको बैलेंस कितना होता है, 1 और 2 होता है ना, तो दोनों वेरिएबल का मान लो सर 2, ठीक है, ऑक्सीजन का बैलेंस 2, ये प्लस में ये मेटल है, नॉन मेटल माइनस में कट जाएगा, ये दोनों क्या बनेगा HGO, ठीक है, किस तरह से बनेगा, किसका, तो HG2 बनेगा, करके देखो, एक HG लेकर आएगा अपना, एक पॉजिटिव वाला, तो इसको कितना HG चाहिए बराबर करने के लिए, 2 चाहिए ना, तब ये पूरा हो पाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो HG2 वो आ जाएगा तुम्हारा, जस्ट लाइक बिहेव सोडियम से बिहेव करेगा यहाँ पे ना, और भी किसी को डाउट हो पूछो, नहीं तुम लोग है ना सुन रहे हैं ऑनलाइन, कहाँ गया ऑनलाइन, ओके, तब देखो हम लोग देखते हैं आपको टॉप क्या होता है, आपका टॉप होता है क्या, देखो अगर मान लो सेम एटॉमिक नंबर हो और डिपेंडेंट मास नंबर हो तो क्या होता है, आपका टॉप होता है, ये होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिपेंडेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट का सेम होगा, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब बात करेंगे हम आइसोटॉप्स के बाद, कि अभी तुम लोग एक बार पता होगा क्या कि आइसोटॉप्स जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का 37 होता है मास, एक क्लोरीन का मास होता है 37, 35, क्लोरीन का 2 मास होता है, 35 भी होता है 37 भी होता है, ठीक है, उसके बाद कार्बन की बात करें, कार्बन का एक 12 भी होता है मास, एक कार्बन का 14 भी होता है मास, ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन का 16 और एक होता है 18, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जो होता है आइसोटॉप्स 1, 2, 3, ये तीन होता है, ये होता है प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना, 3 हाइड्रोजन होता है। अब देखो ये रीजन क्या होने का, इसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, तो मास रीजन होने का क्या रीजन, कि ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, डिफरेंट, अब रीजन समझो, क्यों है, तुम लोग कहेगा सर एक क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटम की नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो होता है मास नंबर, बोला होता है ना, और किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन तो फिक्स होता है, अब मान लीजिए जो एटमिक नंबर है वही तो प्रोटॉन होगा, क्लोरीन का एटमिक नंबर 17 होता है, ये 17 मान लिए प्लस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 18, तो 35 होगा, लेकिन फिर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा कैसे, है ना, तो फिर 17 प्लस जो है ये 20 कैसे हो गया, इसका मास होगा तुम आएगा 35, इसका मास 37, तो दुनिया में जो पूरा अर्थ में या फिर कहीं भी जो पाया जाता है क्लोरीन, इस रेशियो में पाया जाता है, ये 75% होता है दुनिया में, ये 25% होता है, मतलब नेचर में जो क्लोरीन होता है दो टाइप का होता है, एक 35% वाला, 35 मास वाला, जिसका मास होता है 75%, ये होता है, और ये होता है 25%। अगर तुम लोग कभी कभी देखा होगा मास जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मास मतलब क्या, कि जैसे मान लो क्लोरीन का मास होता है, क्लोरीन का एक्चुअल मास होता है 35.5, तुम लोग देखा होगा बुक में भी, तो कहीं पे भी, अब तुम लोग का आइडिया आता होगा, अरे भाई मास तो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब ये भी न्यूट्रॉन भी पूरा होता है और न्यूट्रॉन भी पूरा होता है, प्रोटॉन भी पूरा होता है, तो मास 35.5 कहां से आया,
कोई आधा न्यूट्रन मिल गया था क्या? पूरा ही न्यूट्रन आएगा ना मास का मतलब क्या हुआ कि पूरा प्रोटॉन और पूरा न्यूट्रॉन मिल के आएगा मास, तो ये पॉइंट में कैसे आ गया? तो पॉइंट माने का रीजन क्या होता है? इसका एवरेज, दोनों मास का हम एवरेज निकालेंगे, ये नेचर में कितना परसेंटेज है, ये नेचर में कितना परसेंटेज है, उसका मास निकाल के हम एवरेज करेंगे, तब जो आएगा मेरे पास कितना, मतलब इसका 25% निकालो, इसका 25% निकालो, दोनों का ऐड कर दो, देखो तू 35 वाला का 75% निकाल दो, 35 का 35 इंटू प्लस 25 का 25 से 35 गुना करके कितना होता है? अच्छा उल्टा हो गया, इसको काट दो 4, तो दोनों का ऐड करो, 35 गुना 3 37 गुना, ठीक है, तो 35 गुना 3 कितना 105, तो ये कितना हुआ 37, ऐड करो कितना हुआ 142/4, कितना होता है डिवाइड करो तो 35.5 आएगा तुम्हारा, देख रहा है? तो 35.5 आने का मतलब रीजन क्या हुआ कि हम क्या करते हैं कि इसका निकालते हैं एवरेज, ये वाला मास कितना है, ये वाला कितना है नेचर में, उनके एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकाल के ये मास बताएंगे ये क्यों आया है ना। तो मेन रीजन क्या है आने का, क्या दोनों का हम निकालते हैं एवरेज आपसे टॉप का, उसके बाद हम परफेक्ट मास बताएंगे ये मास होता है, बात समझ रहे ना? ओके, तो ये मेन रीजन होता है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का बात, हाइड्रोजन का बात करें, हाइड्रोजन में प्रोटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है ठीक है, प्लस 0 न्यूट्रॉन होता है ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना ठीक है। ड्यूटेरियम वाला में क्या होता है कि दो प्रोटॉन होता है प्लस 0 न्यूट्रॉन होता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है। और ट्रिटियम में क्या होता है ठीक है, सॉरी एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, हाँ इसमें क्या होता है एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब ठीक है। अब क्लोरीन वाला में क्या होता है, वही चीज क्लोरीन में कि इसका एटॉमिक नंबर 17, अब इसको लिखा कैसे जाता है, 17 एटॉमिक नंबर मास 35 ऐसा होता है, कल बताया था लिखने के लिए पिछले टाइम में, इसका 17 एटॉमिक नंबर और 37 ये मास नंबर। तो इसमें कितना होता है, प्रोटॉन होता है 17 और 18 न्यूट्रॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाला में इसमें हो जाएगा तुम्हारा 17 प्रोटॉन ही रहेगा, 20 न्यूट्रॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होता है ठीक है, देखो कार्बन क्या होता है 6, 12 और 6, 13 और ये 6, 14, तो अब तुम समझ जाओ मास 12 है ठीक है, और 6 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, इसमें से भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हो ना, इसमें कितना प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितना 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, इसमें प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन तो यही हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात समझ में आ रही क्या तुम लोगों को? तो ये हो गया इसका आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है, आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिपेंडेंट मास नंबर, तो ये हुआ तुम्हारा आइसोटॉप्स ठीक है, लिख देता हूँ तुम लोग देख लो।
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम सबको समझो कि देखो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें ना तब तुमने क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसको समझ लो। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हम देख चुके हैं किसी भी आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बस न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है ना, ओनली डिफर इन न्यूट्रॉन। उसके बाद बात करें सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा क्योंकि सारे का इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखना डिसाइड करने वाले जो फैक्टर है वो क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है एटॉमिक सेल में तो सेम क्या होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है तो याद रखना ये बात। उसके बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक सेल का इलेक्ट्रॉन सेम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सेम, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि 17 वाला क्लोरीन का तो है, चलो मास तो लग रहा है, मास 35 है, 37 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 70 इलेक्ट्रॉन कहीं निकलेगा, 287 दोनों का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी बात करेंगे मे बी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि मास डिफरेंट है ना, तो दोनों में अलग अलग मोमेंटम हो सकता है, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मास में वेलोसिटी होगा, मास का अलग अलग कुछ हो सकता है ना, लेकिन बाकी जो फिजिकल जो मास पे डिपेंड करता है, जो जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है ना वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन केमिकल वाला प्रॉपर्टी सेम होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे है ओनली डिफॉल्ट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकता है क्योंकि न्यूट्रॉन अलग होने से क्या होगा मास अलग होगा, है ना, ओके बात क्लियर है। अमृत न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है,